अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। आप लोग, इससे पहले मेरा एक वीडियो आया था ज़कात के ऊपर, किसको देना किसको नहीं देना और क्यों देना। जैसे कि आप लोग जानते हैं, शहर में इतने ज़कात माफियाँ चल रहे हैं, कोई फाउंडेशन के नाम पे चला रहा, कोई दरबार के नाम पे चला रहा, कोई NGO चला रहा, कोई काउंसिल बोल के चला रहा, कोई खिदमत बोल के चला रहे, कोई आवाज़ बोल के चला रहे, कोई यूथ बोल के चला रहे, पूरे करीब एक इतने स्कैम्स चल रहे हैं ज़कात के ऊपर, इतने स्कैम्स चल रहे हैं, करोड़ों रुपये लोगों का ज़कात भी खा जा रहे हैं, लोगों का हक मार दे रहे हैं। ज़कात तो पहले आपको जो सो आपके ख़ानदान में जो गरीब गुरबा है उन लोगों को देना है, बाद में फिर आपके पड़ोसी में दोस्त अहबाब में देना है, फिर बाद में सोचना है। और मेरे को ये बात समझ नहीं आई कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो NGO फेक है, ये लोग को फ़ायदा क्या है। आप लोग जरिए उसके लिए सोचिए कि ये लोग लेके जो है सो आपसे लेके ये लोग देंगे, हाँ क्या ये लोग कमीशन एजेंट्स है। मिल्लत फंड वो ज़माने से करोड़ों रुपए ज़कात खा 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 के बहुत बड़ा इस्टेब्लिशमेंट कर लिया, वक्फ बोर्ड के जायदाद पर कब्जा कर लिया, मिल्लत फंड ऐसे कई चीज़ें कर लिया। तो ये डायरेक्ट दीजिए, आप ये बीजे कमीशन एजेंट्स को मत दीजिए। कमीशन एजेंट्स क्या करते हैं, अपना कमीशन निकाल के बाहर का देते, इनको दूसरे काम नहीं है, उनके अपने पर्सनल काम नहीं है, ये ज़कात कलेक्ट कर लेते फिर रहे सो क्यों कर रहे हैं, इनको फायदा हो रहा, इन लोगों को फायदा हो रहा, और फायदा होने की वजह से जो है सो ये ज़कात का कलेक्शन हो रहा, करोड़ों रुपये अरबों रुपये का स्कैम चल रहा, माफिया है पूरा बहुत बड़ा ज़कात माफिया। इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, एक एक्ट लाना चाहिए कि ज़कात शुड गो डायरेक्टली टू द नीडी पर्सन, जिसको ज़रूरियात है, जिसकी परेशान हाल है। जो जैसा आपको बोला, मैं पहले ख़ानदान में गरीब गुरबा को दीजिए, फिर पड़ोसी दोस्त अहबाब, फिर बाद में दूसरों का हक होता। आप है कि ये लोग दे दे रहे हैं, ये लोग वहाँ लेके बड़े बड़े गाड़ियों में फिर रहे हैं, घर बना ले रहे हैं, मस्जिद के नाम पर ले ले रहे हैं, कफनों के नाम पर ले ले रहे हैं, मैयतों के नाम पर ले ले रहे हैं, ज़कात ले ले रहे हैं, खा ले रहे हैं। इससे कुछ फायदा नहीं है, कुछ फ़ायदा नहीं है आपको। तो ये टाइम मेरी सब मुसलमान भाइयों से, आलमी मुसलमानों से सबसे अपील है कि ज़कात शुड गो इन द राइट पर्सन हैंड, ज़कात शुड नॉट गो टू माफिया और इट शुड नॉट बिकम अ स्कैम। ये पैसे को मिसयूज़ कर रहे हैं लोग लेके, ये ज़कात जिसका हक है, हक का हकदार मार दे रहा, उसका हक मार रहे हैं। तो मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि ज़कात जो है सो उन्हीं को दीजिए जिसको दे सकते हैं, ये लोगों के बीच के एजेंटों को मत दीजिए। खुदा हाफिज़।